केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अवाधेबी में भाजपा और भाजयुमो ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर भाजयुमो के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। जन्मदिवस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनकी धर्मपत्नी शीला धूमल ने शिरकत की। नवरात्रों के अवसर पर दंपति ने पहले कन्या पूजन किया। इस अवसर पर विधायक कमलेश कुमारी और जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा भाजयुमो भी मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कहा कि अनुराग ठाकुर देश के लोकप्रिय नेता हैं और आज उनके जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर का हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अलावा पूरे हिमाचल में विकास के लिए अहम योगदान है और हमीरपुर में भी अनुराग ठाकुर के सहयोग से कई प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं, जिससे विकास को गति मिल रही है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें जन्म दिवस पर बधाई दी। हमारे भाई अनुराग ठाकुर जी का आज यहाँ पूरे जिला के वॉलंटियर हमारे 100-150 लोग जो है ये जन्मदिन जहाँ मनाया जा रहा है वहाँ रक्तदान भी किया जा रहा है। और अनुराग जी के जो काम हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता हैं, उनकी पहचान पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में पहचान है। जहाँ 3 बार वो राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, 4थी बार यहाँ से लोकप्रिय सांसद बने हैं हमारे, आज केंद्र में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का काम देख रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्होंने हिमाचल के लिए बहुत कुछ किया है और अपनी पार्लियामेंट के लिए जहाँ लोकसभा क्षेत्र है उनका, अनुराग जी का, जैसे कि बिलासपुर के अंदर एम्स हॉस्पिटल आना 1200 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है, बहुत बड़ा हमारे क्षेत्र के लिए इसका लाभ, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे इलाके के लिए, पार्लियामेंट के लिए। इसके अलावा जिला हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज जिसका काम भी शुरू हो गया है, 322 करोड़ रुपये अनुराग जी लेके आए हैं। इसके अलावा ऊना के अंदर मिनी PGI हॉस्पिटल और ये 11 जो धूमल जी का जो सपना था तौलसी प्रोजेक्ट जो हमारा सुजानपुर और हमीरपुर ददौन के लोगों को उसका लाभ मिलेगा, उसका तौलसी का जो प्रोजेक्ट जिसमें लगभग 700 करोड़ के लगभग सैंक्शन किया है, इसका भी यहाँ की जनता को, जिला हमीरपुर के लोगों को बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। हम जन्मदिन की जहाँ अनुराग भाई जी को बधाई भी देते हैं और इन युवा मोर्चा के साथियों का, जिसमें हमारा SC मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, हर लोग यहाँ लगभग 150 के लगभग वॉलंटियर हमारे रक्तदान दे रहे हैं। अनुराग जी के जन्म के जो उपलक्ष्य में यहाँ लोग आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अनुराग जी की लंबी आयु हो और स्वास्थ्य ठीक रहे और ज़्यादा तरक्की करे, ताकि अपने हिमाचल की, अपने पार्लियामेंट की और ज़्यादा जनता की सेवा करे। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को उनके पिता ने, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने रक्तदान शिविर में लोगों का रक्तदान शिविर में हिस्सा लेने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर एक महादान है, जिससे किसी भी जरूरतमंद के समय आने पर जान बचाई जा सकती है। धूमल ने कहा कि रक्तदान शिविर में युवाओं सहित महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। धन्यवाद देना चाहूँगा जिला भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, सभी मंडलों को, सभी मोर्चों को कि आज उन्होंने श्री अनुराग ठाकुर के जन्मदिन पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने, महिलाओं ने रक्तदान किया हुआ है। रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, एक एक बूंद लोगों की जान बचाती है, किसी का सुहाग इससे बचता है, किसकी गोद खिली रहती है, किसी को जीवन दान मिलता है। इसलिए आज इस शुभ अवसर पर जो योगदान सब नौजवानों और महिलाओं ने दिया है, उनका सबको बहुत धन्यवाद। ईश्वर उनको स्वस्थ रखे
और अपना खून देकर दूसरे की जान बचाने की भावना हम सब में जागृत रहे, इस शुभ कार्य में लगे रहें। सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कुछ युवाओं ने मिलकर जो इस इलाके की बहुत बड़ी मांग थी, आवश्यकता थी, उसको पूरा किया है। सीएट टायर का शोरूम आज से यहाँ खुला है। नवमी के दिन वहाँ देवी माता के आशीर्वाद से उनके मंदिर के ठीक नीचे भंडारी और उनके सहयोगियों को वहाँ अपना आशीर्वाद दे, उनका कारोबार खूब चले और इलाके के लोगों को जो बहुत दूर दूर से जाकर टायर मंगाने पड़ते थे, अब उनको टायर घर द्वार उपलब्ध होंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे, ग्राहक भी प्रसन्न होंगे और क्षेत्र की सेवा भी होगी।